तो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन शोइंग दैट ट्रस्ट ऑन मी। सो यस, थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग, मैं ऑल ड्रेस्ड हूँ ऑब्वियसली। सो आज का व्लॉग बेसिकली मैं ज्वेलरी हॉल बताने वाली हूँ जो आप इस साल 2023 में कैरी कर सकते हो फॉर एनी ऑफ योर वेडिंग सीजन, वेदर इट्स ऑफ योर रिलेटिव्स, कोई क्लोज रिलेटिव हो, दूर के फंक्शंस हो, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट माई स्टाइलिंग, दिस साड़ी इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। यहाँ पे मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, फोटोज आपको दिख रहे होंगे। इट ओनली कॉस्टेड मी ₹327 और इसका जो लुक है, इसका जो फील है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स गेटिंग दिस इन ₹327 इज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो शाइन है, जो फेब्रिक है ना इसका, इज टोटली अमेजिंग। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। ऑब्वियसली मैंने इस साड़ी को बहुत जगह पे देखा था, अमेजोन पे भी देखा था, फ्लिपकार्ट पे भी देखा था, मीशो पे भी देखा था। मैंने तीनों जगह पे देखा था और तीनों के प्राइसेस कंपेयर किए, तो फ्लिपकार्ट पे मुझे इसकी प्राइस काफ़ी रीजनेबल लगी। ओनली आई गॉट दिस फॉर ₹327 और मीशो पे आई थिंक दिस इज़ फॉर ₹499। मैं सभी के कोड्स या लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट दिस साड़ी, दिस इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट, मैंने आपको बता दिया है। ब्लाउज इज़ फ्रॉम माई क्लॉजेट ओनली। टॉकिंग अबाउट दिस ज्वेलरी इज़ फ्रॉम माई क्लॉजेट, और एज आई एम इन टू अ ज्वेलरी बिजनेस, आई ट्राई डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी एंड मिक्स एंड मैच दैम। सो अगर आपको पसंद आ रही है और अगर आप बाय करना चाहते हो, तो आप नीचे वाले नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। देन आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल कड़ा। तो मैंने ना कुछ तीन चार कड़े हैं, वो मैंने मिक्स एंड मैच करके और फिर एक साथ पहना हुआ है। सो मैं आपको पास से बताती हूँ। तो ये दो बहुत ब्यूटिफुल से रजवाड़ी कड़े हैं, और एक ये मोती वाला कड़ा मैंने पहना है, और एक ये कड़ा है जो मैंने मेरे दिवाली ब्लॉग में भी पहना था। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और एक बहुत रिच रॉयल लुक दे रहा है। तो साड़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है, पिंक कलर का है, बनारसी काइंड ऑफ फीलिंग दे रहा है। बट जो लुक है ना, मैं आपको सामने से शायद दिख रहा होगा, बट जब आप इसको सामने से हाथ में इसको टच करोगे ना, इसकी जो फील है ना, एकदम बटरी सिल्क है। मींस एकदम सॉफ्ट स्मूथ काइंड ऑफ फैब्रिक है, बहुत लाइट वेट है, ऑब्वियसली बहुत स्लिपरी है। मैंने किसी तरह इसको फोल्ड किया है, बट जो प्रो है लेवल के साड़ी पहन सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कैरी कर सकते हो। बट मैंने इसको बस इसी तरह से किसी भी तरह से मैनेज करके मैंने सेटल किया है इसको। सो यस, बट इस साड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब ये कहीं से भी ना, अगर आप एक बार पहन के जा रहे हो ना कोई भी बड़े फंक्शन में, कहीं से भी ये ₹327 की साड़ी नहीं लगेगी। मैं लिटरली, मतलब बाय गॉड स्वे, मींस इतनी खूबसूरत है ये साड़ी। सो यस, इसमें भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो जैसे कि अभी वेडिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो मैं कुछ बहुत ब्यूटीफुल से ज्वेलरी आपको बताने वाली हूँ। दीज आर फ्रॉम माय ओन क्लोजेट, मींस ये हमारे ही कलेक्शन का है, हमारे ही ब्रांड का है। तो आप जो ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं सबके प्राइसेस नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको पहन कर भी बता दूंगी कि इसका फील लुक कैसा आने वाला है। पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत है और अभी ये काफ़ी ट्रेंड में भी है। इवन इफ़ यू आर वेयरिंग अ जॉर्जेट साड़ी, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, आप किसी भी साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकती हो। तो जो भी प्राइसेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप बाय करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑर्डर कर सकते हो। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट ज्वेलरी मैं आपको बताने वाली हूँ, इज दिस अ ब्यूटिफुल चोकर। तो ये बेसिकली कुंदन का है, गोल्डन वर्क में है, और इस तरह से ना यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं आउटलाइन पे, और ये काफ़ी खूबसूरत है। सो इस तरह से इसका लुक आता है। ओके, आप इसको टू वेज में ड्रेस कर सकते हो, इन केस अगर आपको कोई फंक्शन में माथा पट्टी की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू डोंट कैरी वन, यू कैन ऑल्सो यूज़ देम एज माथा पट्टी। इस तरह से आप इसको ना यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। लेट मी शो यू। तो
इस तरह से ना आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो एंड इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, बट हाँ आप अच्छे से इसको प्लेस करोगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चोकर, मस्ट कैरी। एक गोल्डन चोकर ऑब्वियसली होना चाहिए। इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक कोई भी कलरफुल आप पहन रहे हो और आपको समझ में ना आए, यू कैन ऑलवेज गो विद दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी। ये काफ़ी खूबसूरत है और किसी भी आउटफिट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेदर यू आर वेयरिंग सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, किसी भी टाइप में, बेसिकली कुंदन और पोलकी की जो ज्वेलरी होती है ना, आप किसी भी टाइप पे पहन सकते हो, किसी भी टाइप के इंडियन वेयर में पहन सकते हो। सो यस, और इसके साथ बहुत ब्यूटीफुल सा स्टड्स दिया गया है टू मैच विद दिस फ्लावर शेप में। इस तरह से ये बहुत ब्यूटीफुल सा स्टड है। सो आई होप आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। सो इसको इसके साथ पेयर करके और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। सो यस, इस तरह के आपके पास एक मस्ट हैव ज्वेलरी होनी चाहिए फॉर दिस 2023 वेडिंग सीजन। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड इज दिस ब्यूटिफुल चोकर, सिमिलर टू वॉट आई एम वेयरिंग, बट इसका जो ब्रोच है बीच में वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड दिस इज़ वेरी सिंपल स्लीक वन। सो इसको अनकट पोलकी भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द क्वालिटी, मैं आपको पास से बता दे रही हूँ। बीच में गोल्डन का पॉलिश है और आजू बाजू में जो भी है वो ब्लैक पॉलिश है और काफ़ी खूबसूरत है। ये पहनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से ये पहनने के बाद दिखेगा, बट काफ़ी रिच और रॉयल लुक लगता है। अभी थोड़े दिनों पहले अनुष्का शर्मा ने भी कुछ इस तरह से हेयर स्टाइल किया हुआ था, उनका कोई एड शूट था आई गेस, और उसमें उन्होंने इस तरह से हेयर स्टाइल की थी और बहुत ही सुंदर। इस तरह से ना अगर आप कोई चोकर पहनते हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट सभी आउटफिट पे पहन सकते हो, कोई भी ड्रेस के साथ, कोई भी साड़ी के साथ, कोई भी इंडियन वेयर के साथ आप बहुत ही पहन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो यस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। और इसके साथ जो पेयर किया गया है इज दिस ब्यूटिफुल स्टड इयरिंग, ये भी अनकट पोलकी में ही है और दिस इज अप्रॉक्स 1 inch। और जो भी प्राइसेज है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। इफ यू रियली वॉन्ट देम, यू कैन कॉल ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सो यस, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टाइप ऑफ चोकर, बिकॉज ये काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल इसका लुक आता है, रॉयल लुक आता है पहनने के बाद। सो यस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टाइप ऑफ चोकर्स। सो दिस इज द सेकेंड सेट। जो थर्ड सेट मैं बता रही हूँ वो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेट फिनिश में और एंटिक पॉलिश जो बोलते हैं ना, ये उस पॉलिश में है और काफ़ी खूबसूरत है। बीच में ये रोज़ बना हुआ है जिसके पूरे आउटर लाइन में डायमंड्स बने हुए हैं, बीच में एक रेड कलर का स्टोन, एम्बेडेड स्टोन ऐड किया गया है और इस तरह से ना चेन आपको मिलेगी लास्ट में, और ये एडजस्टेबल चेन है, आप कहीं तक जितने भी लॉन्ग चाहो, शॉर्ट चाहो, लूज कर सकते हो, फिटिंग कर सकते हो ऑन बोथ साइड्स। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपको ये नहीं ये आपको नहीं चाहिए, ये रोज का जो पेंडेंट है ना वो आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको पीछे में एक हुक दिया गया है वहां से आप रिमूव कर सकते हो, ओनली ये चोकर पहन सकते हो। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा चोकर है, काफ़ी एंटीक और आई थिंक साउथ इंडियन साड़ीज अगर आप पहन रहे हो और इस तरह का सिंपल चोकर आप पहन रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसका लुक बहुत ही रिच आने वाला है। सो यस, दिस टाइप ऑफ चोकर इज़ अ मस्ट इन योर क्लॉजेट, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दीज काइंड ऑफ चोकर्स। सो इसकी जो इयररिंग्स हैं वो इस तरह की इयररिंग्स आपको मिलेंगी इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, सिंपल आपको नेक में कुछ भी नहीं पहनना है, तो आप इस तरह से ओनली स्टड पहन सकते हो, ये काफ़ी खूबसूरत है। सिमिलर टू द ब्रोच जो नेकलेस में अवेलेबल था, वही ब्रोच इयररिंग्स में है और बीच में इस तरह से बैक साइड पर आपको स्क्रू मिलेगा, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो ये आपको इयररिंग्स, इस तरह से आपको इयररिंग्स मिलेगा, तो
सो दीज आर द इयररिंग्स। ये काफ़ी रिच लुक देता है पहनने के बाद। इन केस अगर आप टॉप एंड नेक पहन रहे हो, नेक में कुछ भी नहीं पहन रहे हो, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस तरह से ना कुछ इयररिंग्स है तो वो आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह से जो इयररिंग्स होती है ना वो आप पहन सकते हो, सिंपल और काफ़ी खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए वो सभी चोकर स्टाइल में थे, और अब मैं लास्ट के दो जो बताने वाली हूँ वो नेकलेस स्टाइल में है, बट आप उसको चोकर की तरह पहन सकते हो। सो द फोर्थ वन इज दिस ब्यूटिफुल अनकट पोल की नेकलेस सेट। तो ये इस तरह से है और इसका काफ़ी खूबसूरत सा नीचे में ना ये पेंडेंट स्टाइल में है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका लुक आ रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत है, शाइनिंग है। इस तरह का एक अनकट पोल की ज्वेलरी अभी काफ़ी ट्रेंड में है। इसमें डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, बट इस टाइप का और इस शेप में इस साइज में ना ये ऑलमोस्ट सभी टाइप के ड्रेसेस के साथ आप मैच एंड पेयर कर सकते हो। सो येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दीज काइंड ऑफ नेकलेस, और चोकर स्टाइल में भी आप इसको पहन सकते हो। सो येस, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है माथा पट्टी, तो आप इसको माथा पट्टी के तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो। सो दिस वे, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक आएगा। सो येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है पहनने के बाद भी। मैंने इसका लुक क्रिएट किया है जो इस पहनने के बाद इस तरह से लगेगा, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जो स्टोन्स होती है ना इसमें ये काफ़ी शाइन कर रही है, वो बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी इफ़ यू आर बाइंग दिस परचेजिंग दिस। सो येस, और इसकी जो इयररिंग्स है वो इसका जो सेंटर है ये वाला पार्ट, बस उस तरह से सेम इयररिंग्स आपको इसके साथ मिलेंगी। सो दिस इज द इयररिंग्स। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। आप इस टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना, अगर आप नेकलेस ना भी पहनो ओनली इयररिंग्स को भी स्टाइल करो ना तो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो येस, इन सभी के प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज द फोर्थ नेकलेस। लास्ट ज्वेलरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ इज दिस ब्यूटिफुल कुंदन नेकलेस। तो ये काफ़ी खूबसूरत प्योर गोल्डन पॉलिश में आपको मिलेगा, और ये काफ़ी हैवी काइंड ऑफ मटेरियल है, और बैक साइड में इस तरह से आपको मीनाकारी मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुंदन का है, और इस तरह से ना अंदर स्टोन्स हैं, ऊपर में गोल्डन का जो केज टाइप का होता है उसके अंदर ये एम्बेडेड स्टोन है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप इसको मतलब ऑलमोस्ट सभी टाइप ऑफ इंडियन ड्रेसेस पे पहन सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत लगेगा, काफ़ी हैवी ब्राइडल लुक काइंड ऑफ फीलिंग आएगी। अगर आप न्यूली वेडेड है सो मस्ट ट्राई है ये, तो मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। और इस टाइप की ज्वेलरी ना काफ़ी सुंदर लगती है पहनने में, काफ़ी रिच रॉयल लुक देती है। सो येस, ये मेरी फिफ्थ ज्वेलरी है, और इसकी इयररिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। सो यू गेट दिस इयररिंग विथ इट, तो आपको इस तरह की इयररिंग्स मिलेंगी। और इसके साथ एक एडिशन में आपको एक मांग टीका भी मिलता है, इस तरह से पीछे बैक साइड मीनाकारी होगा और आगे में सिमिलर, बट इसकी साइज़ छोटी होगी, और ये काफ़ी सुंदर लगेगा पहनने के बाद। तो आप कोई भी छोटे मोटे फंक्शन, बड़े वाले फंक्शन किसी में भी पहन सकते हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। अभी वेडिंग सीजन काफ़ी ट्रेंड में है, सो चलो फटाफट से ऑर्डर कर सकते हो आप, और सभी के प्राइसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और भी अदर जो भी कलेक्शन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट या कमिंग वीक्स में बताती रहूंगी। वेडिंग सीजन और भी अदर फंक्शंस अभी लाइंड अप हैं, तो यस, बी प्रिपेयर्ड, गेट सम मोर ट्रेंडी ज्वेलरी कलेक्शंस अपने क्लोजेट में रखो, सो दैट आप कुछ अलग लगो, कुछ डिफरेंट लगो। सो यस, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड,
and my YouTube handle is Chetna_12. So yes, do not forget to like, share, comment and subscribe. And also comment down below, आपको कौन सी ज्वेलरी काफी ज्यादा पसंद आई. So yes, we will meet soon in my next one. Till then, bye bye.